नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे गार्डन में पीछे वाले में काफी सारी चीजें हैं इस टाइम हार्वेस्ट के लिए। इधर सब गुलाब का कलेक्शन है जितने भी हैं। अभी कुछ के तो मेरे को कलर याद है, पर मेरे पास 17-18 तरह के गुलाब हैं अलग अलग कलर के, और इसमें विंटर वाले मैंने लगाए हुए थे। तो अभी मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ऐसा पेड़ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था, शायद उसका एक भजन में नाम भी आता है कि गल मोतियन की वैजंती की माला, उनकी आरती में आता है, आरती की जे कुंज बिहारी की, अगर मैं सही हूं, हो सकता गलत हो। तो ये देखिए, ये वो पेड़ है जिसके अंदर ये मोती लगे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये पेड़ बहुत अच्छा होता है, हमें अपने घर के अंदर जो है वैजयंती का पेड़ लगाना चाहिए। और भगवान ने कुछ इस तरह से इसके अंदर मतलब कुदरती और रे रे गिर गए वो बनाई है। आप ये देखें, आवाज देखिए आपको, कि जो वैजयंती है इसके अंदर भगवान अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बना के भेजते हैं, जो होल होता है। तो आप इसको तुरंत गिर रहे हैं नीचे ना, शायद मैं खुद ही हार्वेस्ट कर रही हूँ खुद ही, तो आपको इतना दिख नहीं रहा होगा। पर ये वो मोतियों का पेड़ है जिसका भगवान श्री कृष्ण की आरती में भी वर्णन होता है, और वास्तु के हिसाब से पेड़ बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, हम सबको लगा के रखना चाहिए। और ये मैंने बीज से ही मतलब ग्रो किया था। ये देखिए, इसमें कुछ सफेद निकलते हैं, कुछ काले निकलते हैं। तो मैंने ये रखा हुआ था कि जब मेरे पास 108 हो जाएंगे तो मैं इनकी माला बनाऊंगी। ये देखिए नीचे गिरते जा रहे हैं, तो मैं इनकी फिर एक माला बना के आपको दिखाऊंगी। कुछ सफेद रंग के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर में होते हैं, और दिखाऊंगी कि मैंने रख भी रखे हैं। एक नीचे गिर गया था, ये रहा, एक इधर पड़ा है शायद, एक ये रहा टेडी के सामने। हाँ, और ये रहे 3-4 ना डाल दो। देखो फ्रेंड्स, ये रहे, मैं आपको बता रही थी ना कि सफेद रंग के भी होते हैं, कुछ ब्लैक हैं, कुछ सफेद हैं। ये रहे, अब अंधेरा होने लग गया है, तो आप भी इसको लगाइए। वास्तु के हिसाब से भी ये पेड़ बहुत अच्छा है, और घर पे ही आप वैजयंती की माला, हम बाजार से जाते हैं लेके आते हैं। ये देखिए आप, अभी ये मेरे को ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 15-20 मोती देखिए इससे मिल गए होंगे, और कुछ सफेद हैं, कुछ काले हैं। और मैं आपको जिस दिन माला बनाऊंगी ना, उस दिन मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि इसके अंदर एक होल होता है, उससे आप धागा डाल के इसको माला भी बना सकते। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।